नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बहुत सस्ते और बहुत काम आने वाले टूल पर बात करने वाला हूं। यह टूल हमारा मिनटों का काम सेकंडों में कर सकता है और बहुत अच्छी इनकम भी करा सकता है। दोस्तों, मेरे पास ये सैमसंग का J7 मॉडल है जो कि शॉर्ट है और हीट हो रहा है। यह फ़ोन टोटली डेड है। मैं इस फ़ोन पर 15-20 मिनट से शॉर्ट कंपोनेंट या किसी बर्न कंपोनेंट को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। अब इस फ़ोन पर मैं अपने फेवरेट टूल, जिसे हम रोजिन पेस्ट के नाम से ही जानते हैं, उसे यूज़ करने वाला हूँ। दोस्तों, वैसे मैं थर्मल कैमरा यूज़ करके ही शॉर्ट कंपोनेंट को निकालता हूँ, लेकिन आपको यह वीडियो ये दिखाने के लिए बनाई है कि रोजिन पेस्ट भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। दोस्तों, रोजिन पेस्ट को लगाने के लिए इसका एक स्पेशल टूल भी आता है, लेकिन इसे हम आयरन से भी बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों, पीसीबी पर रोजिन पेस्ट लगाने के बाद इस साइड तो कोई शॉर्ट कंपोनेंट का कोई साइन नहीं मिला। अब दूसरी साइड रोजिन पेस्ट लगाने के बाद चेक करते हैं, वहाँ पर कोई कंपोनेंट मिलता है नहीं। फ़ोन अब भी हीट हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, रोजिन पेस्ट ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। बैटरी लगाते ही कंपोनेंट को हाईलाइट कर दिया है और वहाँ से स्मोक भी उठने लग गए हैं। अब सबसे पहले इस कंपोनेंट को निकालते हैं और फिर दोबारा फ़ोन को चेक करते हैं। ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं हमारा फ़ोन का पीसीबी अब भी हीट हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फ़ोन का पीसीबी अब हीट नहीं हो रहा है। अब ये ओके है।
सीखा कैसे हमने रोजिन पेस्ट की हेल्प से एक शॉर्ट डेड मोबाइल को रिपेयर कर लिया। दोस्तों, मोबाइल रिपेयर से जुड़ी हुई और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिखें या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें।